कंसेप्ट हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे, अब एक्स जो है वो लीनियर है अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, यानी कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का इंटेग्रल। तो हमने क्या करना है, पुट जो भी आपका ये पूरा एक्सप्रेशन है ये एज इट इज ले लेना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। अब इसको जो है हम इक्वल टू क्या पुट करते हैं, सम कॉन्स्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर, तो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर इज एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, तो प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जब भी लीनियर अपॉन फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है तो वी आर टू गो फॉर दिस। हमने जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको ले लेना है, इसको हमने इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस अदर कॉन्स्टेंट अपॉन सेकेंड फैक्टर हमेशा पुट करना है। देन हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इधर एलसीएम ले लेंगे, ये चीज एज इट इज आपकी चलती जाएगी साथ में। अब क्योंकि ये फैक्टर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा, और क्योंकि को प्राइम्स हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद द न्यूमरेटर्स ओनली। न्यूमरेटर्स को आप कंपेयर करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब या तो आप इनको डायरेक्टली कंपेयर कर लो, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं कि जो हमें ये गिवन है फैक्टर्स इनको हम इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब मैं एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करूंगी तो ये वाली जो मेरी टर्म है वो जीरो होके टर्म मेरी सिर्फ ए में रह जाएगी, मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सेम वे में जब मैं एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करूंगी तो जो मेरा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये जीरो होके बी के टर्म्स में रह जाएगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, या आप चाहो तो ब्रैकेट्स खोल के ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी ले सकते हो, फिर ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू वन और टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो वहां से आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। दैट इज योर विश किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हो। एक्स इक्वल टू माइनस वन मीन्स जहां जहां आपका एक्स है वहां वहां आप माइनस वन पुट कर देंगे। सो दिस इज माइनस वन इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस आप ऑरली नहीं करोगे, उसमें जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो रफ में आप इनको बेशक लिख के कर सकते हो। सो माइनस वन इक्वल टू टू माइनस वन इज वन, तो वन इंटू ए इज ए, ये आपकी टर्म जीरो बन गई, तो ए की वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ गई, माइनस वन। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट बी, तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस टू, ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। देन प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस वन, सो दिस इज माइनस टू इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आपका जीरो हो गया। माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन इंटू बी इज माइनस बी, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, टू। ए आ गया मेरे पास माइनस वन, बी आ गया मेरे पास टू। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है इस वाले इसमें, तो इसको बेशक आप वन ले लो, वन में हमने अब इसको पुट करना है। सो जो हमारा एक्सप्रेशन था दैट वाज एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, दिस इज इक्वल टू ए है हमारे पास माइनस वन, तो दिस इज माइनस वन अपॉन में क्या है एक्स प्लस वन, और बी कितना आया है हमारे पास टू, तो दिस इज टू अपॉन एक्स प्लस टू, ये लिख लिया मैंने। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एंड टेकिंग द इंटेग्रल्स, सो ये इंटेग्रल लगाया तो डीएक्स, इंटेग्रल लगाया तो डीएक्स, इंटेग्रल लगाया तो डीएक्स। अब माइनस वन और टू जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट्स लेके बाकी वन अपॉन की फॉर्म में जब भी आपके पास होता है तो वो लॉग की फॉर्म में आपको देता है, तो दिस इज माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी।
ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस टू जो है वो आपका पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी बन जाएगा। अब ये लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, तो दिस विल बी लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। आप चाहो तो बेशक इसको ऐसे छोड़ दो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। सो दिस विल बी योर आंसर। मेन जो आपने रखना है याद वो ये रखना है कि जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन सम फैक्टर्स, तो उस एक्सप्रेशन को इक्वल टू ए टाइम्स जो भी फर्स्ट फैक्टर है प्लस बी टाइम्स सेकेंड फैक्टर है, देन एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास न्यूमिरेटर्स रह जाएंगे, न्यूमिरेटर्स को चाहे आप कंपेयर कर लो, चाहे आपको जो फैक्टर्स की वैल्यूज गिवन है उनको इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की यानी कि जो भी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आई है, जितने कॉन्स्टेंट्स यहाँ है वो रिप्लेस कर दो, देन उनका इंटेग्रल ले लो, इंटेग्रल लेने के बाद वॉट एवर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में वी आर हैविंग वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जो है दिस इज फर्दर फैक्टराइजेबल, तो इसको हम जो है फर्दर फैक्टर्स बना लेंगे इसके, वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ये मेरी फॉर्म बन गई वन अपॉन फैक्टर्स की फॉर्म में, तो वन अपॉन जब फैक्टर्स की फॉर्म में ये आ गया यहाँ पे, तो हमने क्या करना है सेम वे में यहाँ पे इसको पुट करना है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। सो दिस इज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो इसको ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री का जब आप एलसीएम लोगे तो दिस विल बी ए इंटू क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए इंटू एक्स प्लस थ्री बी इंटू एक्स माइनस थ्री, और इधर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये और ये कैंसिल आउट होके वी आर लेफ्ट विद वन इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस थ्री। अब पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हम करेंगे, तो वन इज इक्वल टू, उसमें पिछले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे हमारे पास वन है, तो ये वन ही रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो वन इज इक्वल टू ए कितना है, ए हमने निकालना है, एक्स को हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में थ्री पुट कर रहे हैं, तो ये जीरो हो गया, सिक्स ए इज इक्वल टू वन यानी कि ए इज इक्वल टू वन बाई सिक्स। अब एक्स को माइनस थ्री पुट करोगे तो वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस बी इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस वन बाई सिक्स, ए आ गया प्लस वन बाई सिक्स, बी आ गया आपका माइनस वन बाई सिक्स। अब हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर वन में किया था सेम वे में हम करेंगे, दिस इक्वल टू वन बाय सिक्स टाइम्स एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाय सिक्स टाइम्स एक्स प्लस थ्री। तो जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसके साथ डीएक्स की फॉर्म में हमने ले लेना है, सो दिस इज वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, यू कैन राइट डाउन इट एज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ऑल्सो। सो ए की वैल्यू है हमारे पास वन बाई सिक्स, बाहर ले लिया मैंने इसको, तो वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और दिस वॉज माइनस वन बाई सिक्स, सो वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, इंटेग्रल डीएक्स साथ में लिया, एंड देन इसका इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई सिक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, तो दिस इज वन बाई सिक्स टाइम्स लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री, सो दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, दैट इज विद 3 फैक्टर्स, सो दैट यू विल डू योरसेल्फ। उसमें ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकंड फैक्टर, सी अपॉन थर्ड फैक्टर लेके सेम वे में आप इसका जो है इसको फॉलो करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन सेम है, उसमें एक्स अपॉन है तो सेम वे में आप जाएंगे, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर हैविंग 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हमें देखना पड़ेगा इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो वी आर टू फॉर्म द फैक्टर्स फॉर दिस। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी कि सम मुझे 3 चाहिए और जो प्रोडक्ट है मुझे वो 2 चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। x अपॉन 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब सम 3 चाहिए, प्रोडक्ट 2 चाहिए, तो फैक्टर्स बन जाएंगे, मिडल टर्म स्प्लिट हो जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 dx। सो दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन x इंटू x प्लस 2 और x प्लस 1। मैंने डायरेक्ट एक स्टेप स्किप करके लिख दिया है, तो दिस इज एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1। अब सेम मेथड हमने फॉलो करना है जो हम पहले कर रहे थे, ए अपॉन एंड बी अपॉन। सो दिस इज ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप में यू आर टू फाइंड इट्स एलसीएम एंड क्रॉस में करके लिख दोगे इसको। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सेम चीज, न्यूमिरेटर्स जो है वो रह जाएंगे, डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी विल बी हैविंग 2x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस 2b। दूसरे मेथड से करवा रही हूँ मैं अभी ये, सिंप्लीफाई करना ए और बी की वैल्यूज। अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे तो एक्स वाली टर्म्स, तो यू विल बी हैविंग ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2x। एक्स तीनों में से एलिमिनेट करोगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ वी आर टू फाइंड आउट द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए प्लस 2b, एक्स के विदाउट वाली कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ए प्लस बी इक्वल टू 2 के साथ इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। b -2 आ गया, b को -2 यहाँ पे पुट करोगे तो a आपके पास कितना आ जाएगा, 4। अब a मेरे पास 4 आ गया, b मेरे पास कितना है, b इज -2। अब यहाँ पे पुट करो एंड गेट योर आंसर। सो इसमें हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ही मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है मेरे इससे बने थे, तो आई हैव रिटन इन दैट वे ओनली। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। नाउ ए ए इज 4 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। इंटेग्रल्स लो, डेरिवेटिव्स लो एंड गेट योर आंसर। सो दिस यू आर टू कंप्लीट योर सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर है दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आती है, तो हमने क्या करना है, पहले उसको इस वे में लिख लेना है कि जो हमारी डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर है दैट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, 1 - x² अपॉन एक्स इंटू 1 - 2x। तो मैंने इसको रीराइट किया, दिस इज 1 - x² अपॉन x - 2x²। तो यू कैन सी कि जो हमारी डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर है दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब इनको जो है हमें अलग से लिखना पड़ेगा, डिवाइड करके करना पड़ेगा, तो डिवीजन आप शो करेंगे इसमें क्वेश्चन में, 1 - x²
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूँ तो दिस इज माइनस टू एक्स स्क्वायर, और मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसको मैं 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई विल गेट द सेम थिंग। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यू कैन राइट इट इन दिस वे, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिक्रीजिंग पावर्स में हमने लिख लिया। अब यहाँ माइनस टू एक्स स्क्वायर है और मुझे क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस टू एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई गेट माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू के लिए दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद 1/2। तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे हमारे पास 1/2 से मल्टीप्लाई करके दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 1/2। अब इसके साथ साथ में आप एक्स लगाओगे तो 1/2 x, तो मैं इसको क्योंकि ये कांस्टेंट है इधर लिख देती हूँ, सो साइंस चेंज कर दोगे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट आई एम लेफ्ट विद माइनस एक्स बाय टू प्लस 1। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपकी एक्स की पावर 2 है, यानी कि फर्दर डिवीजन जो है वो आपकी पॉसिबल नहीं है। अब फर्दर डिवीजन जो है वो आपकी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको जो आप छोटी क्लासेस में करते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशेंट अपॉन रिमाइंडर, यू विल रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर दैट यू विल यूज। तो डिविडेंड यानी कि माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैं रिप्लेस करूंगी दिस इज इक्वल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, हाफ प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो ये मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको जो है फर्दर उस वे में लिखना है जहां पे हम इसको रिप्लेस कर पाए उधर, तो वहां पे आप उसकी रिप्लेसमेंट करोगे। अब एक चीज का यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब हम इसको लेके चल रहे हैं तो मैंने यहाँ पे जो ये क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर किया है, इसके ये जो मेरी वैल्यू है ये किससे रिप्लेस होगी, जो मेरा ये पूरा था 1 - x² अपॉन x - 2x², तो दिस इज, इसको रीराइट करेंगे 1 - x² अपॉन x -2x² से, तो दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर लूंगी इसको एंड देन dx, तो ये वाला तो मेरा डायरेक्ट इंटेग्रल बन जाएगा, ये वाला जो मेरा इंटेग्रल है, नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आप इसको उस तरीके से जो है यहाँ पे इंटीग्रेट कर लोगे, सो दिस इज हाफ ऑफ dx देन प्लस माइनस एक्स, इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ माइनस एक्स प्लस 1/2, तो 2/2 मैंने बाहर ले लिया और इधर क्या रह गया, ये एक्स इंटू 1 - 2x, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर को मैंने वापिस इसके क्या किए, फैक्टर्स बना दिए। अब जब इसके फैक्टर्स बन गए, अब ये सेम फॉर्म है, ये एज इट इज चल रहा है, या आप यहाँ चाहो तो इंटेग्रल ले लो, जैसे मर्जी कर लो। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे आई लिख लिया, तो आई इज इक्वल टू दिस इज इंटेग्रल माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 - 2x। अब इसको इक्वल टू ए अपॉन बी की, ए अपॉन फैक्टर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर की फॉर्म में लिखना है हमने, तो दिस इज ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, देन सेम वे एलसीएम फाइंड आउट करो। एंड देन कंपेयर करो डिनोमिनेटर्स, क्योंकि आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करो या न्यूमिरेटर्स की वैल्यूज जो है वो पुट करो एंड सिंप्लीफाई करके अगेन यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे पुट करना एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ए जो है इसको सिंप्लीफाई करके वी विल गेट, एक एक्स को आप 1/2 पुट करोगे, एक एक्स को आप 0 पुट करोगे, तो जब आप एक्स को 0 पुट करोगे आपके पास ए की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और जब आप उसको हाफ पुट करोगे
जब हाफ पुट करोगे तो हाफ पुट करने पे जो आपकी बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/2। तो आप इसको सिंप्लीफाई खुद कर लेना, ए और बी की हमारे पास वैल्यूज आ गई, अब वो यहाँ पे पुट करनी है एंड देन इंटेग्रल लेके साथ में ये वाला इंटेग्रल ऐड कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। मेन जो यहाँ पे आपका कंसेप्ट है दैट इज दिस वन, इसको दोबारा से देख लो, 1 - x² / x ((1 - 2x). न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जब भी सेम है या न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है यू विल गो फॉर लॉन्ग डिविजन मेथड। लॉन्ग डिविजन मेथड में दिस इज -2x² + x -x² + 1 और हाफ आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमने एक्सप्रेशन यूज किया कि वैसे हमारा क्या होता है क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस हम रिमाइंडर करते हैं, तो यहाँ हमने इसको ऑल ओवर ले लिया। डिवाइजर से आप एक तरह से कह सकते हो कि हर तरफ हमने डिवाइड किया, सो वी हैव रिटन दिस एक्सप्रेशन एज 1 - x² / (Dx) = ये आ गया आपका यहाँ पे क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, देन जो ये वाला था इसका तो सिंपल इंटेग्रल है, इस वाले का इंटेग्रल हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन से किया। पार्शियल फ्रैक्शन से जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो सेम जो स्टेप्स हमने पहले फॉलो किए हैं, ए और बी की वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ पुट करके लॉग की टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा एंड देन यू विल प्रोसीड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से करना, वी आर हैविंग इन दिस दैट x/(x²+1) एंड x-1। x²+1 जो है वो आपका फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए हम उसको bx+c की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग द स्टेटमेंट एज x/(x²+1) इंटू x-1। सो x/(x²+1) इंटू x-1 इज इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर मेरा कौन सा है x²+1। तो जहां पे आपका फैक्टर फर्दर डिफरेंशिएबल नहीं फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है वहां हम क्या करते हैं उसको लीनियर की फॉर्म में लेते हैं ऊपर, तो दिस विल बी ax+b। अब ये वाला रह गया आपका फैक्टर तो +c/(x-1)। अब एलसीएम ले लो, बाकी सेम स्टेप्स हैं आपके। अब इसमें आपको तीन जो है अननोन्स हैं ए बी एंड सी, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर्स अगेन विल गेट कैंसल्ड, ये आपके कैंसल आउट हो गए, वी आर लेफ्ट विद एक्स इज इक्वल टू ax+b इंटू x-1 + c इंटू x²+1। अब एक जो है वैल्यू हम यहाँ से मिल जाएगी, इसको हम इक्वल टू जीरो पुट नहीं कर सकते हैं, तो हम x-1 को जब इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो x=1 जब हम पुट करेंगे दिस इज 1 - 1 = c इंटू 1+1। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। c यहाँ पे मेरे पास 1/2 आ गया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ हम क्या करेंगे, अब मेथड ऑफ कंपैरिजन कर लेंगे यूज, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स। अब मेरे पास ये है x इज इक्वल टू ax+b इंटू x-1 + c की जगह आई कैन यूज हाफ, तो दिस इज x²+1। अब कंपेयर करने हैं कॉफिशियंट, तो ax इंटू x इज ax² - ax + bx - b + ½x² + ½ हो गया ये यहाँ से। अब ये x वाले जब आप कंपेयर करोगे तो 1 = -a + b, x² वाला ax² है, ½x² है, तो यहाँ से जो है यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। x² इधर कुछ नहीं है, 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू ax² + ½x² सी की वैल्यू हमने हाफ पुट की है, तो x² कॉमन लेके a+ ½ = 0 रह जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी -1/2। अब रह गया b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b के लिए हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे, यहाँ कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है -b + ½, तो -b = -½, b = ½।
बी की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ए बी सी की वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पे पुट करोगे एंड देन जैसे हम प्रोसीड कर रहे थे इंटेग्रल लेके यू विल सिंप्लीफाई। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 15 आप ट्राई कर लेना। जो क्वेश्चंस आपके हो गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो नहीं हुए क्वेश्चंस तो वी विल डिस्कस देम टुमारो। आई विल टेक योर डाउट्स क्वेश्चन नंबर 15 तक द